हे गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक्सप्लोर करेंगे आज हम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लोटस टेंपल एक्सप्लोर किया था हमने। बट अभी क्या है कि आज मेरा मन है मैं आपको कुतुब मीनार दिखाऊं। कुतुब मीनार जाने के लिए आपको कुतुब मीनार के मेट्रो स्टेशन से 1.8 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। आप रिक्शा भी कर सकते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, बट फिर भी मैं निकली हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और आप देख सकते हैं दूर से कुतुब मीनार कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। फिर उसके बाद टिकट लेना पड़ता है आपको। ये सुबह 7 से 5 बजे के टाइम पे खुला होता है और आपको एंट्री फ़ी जो है वो 40 रुपये पर पर्सन लगती है। बस मैंने टोकन ले लिया। टोकन लेने के बाद अब मैं अंदर जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ गाइस कि यहाँ पर जो है ग्रीनरी भी है और आज हम काफ़ी कुछ जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में। जैसा कि आज तक आपने किताबों में पढ़ा है, सुना है कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है या फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, काफ़ी लोगों का नाम लिया जाता है। बट मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि आज जो है कुतुब मीनार आखिर मेन बनवाया किसने था और किस रीज़न से बना था ये। तो अभी क्या है कि स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं पिकनिक पे। हम भी बचपन में ऐसे ही जाया करते थे कुतुब मीनार। मैं सेकेंड टाइम आज आई हूँ कुतुब मीनार। मैं भी फ़र्स्ट टाइम स्कूल टाइम पे आई थी। और ये देख सकते हैं, ये पहले मंदिर हुआ करता था गाइस। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी पहले कि ये 27 मंदिरों का जो था, ये जो भी है 27 मंदिर थे। ये पूरे जो पिलर हैं आप देख रहे हैं, ये लोहे के स्तंभ हुआ करते थे। और इसको जो है विक्रमादित्य के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। बाद में इसे तोड़कर कुछ और ही नाम दे दिया गया, कुछ और ही रूप दे दिया गया। बट अब हम कुछ नहीं कह सकते। बट इसे जो है पहले ये मंदिर हुआ करता था, फिर इसे तोड़कर कुछ भी बना दिया गया, फिर उसका नाम जो है कुतुब मीनार रख दिया गया। पहले तो इसे जो है 1192 में जो है इसको बनाना शुरू किया गया था। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कैसे मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इनमें रुद्राक्ष भी है। और ये हिंदू धर्म के जो मान्यताओं के हिसाब से जो कलाकृतियाँ होती है ये वही है। ध्यान से देखिए गाइस आप। और अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है, आप देख सकते हैं। और आप समझ सकते हैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड टाइम से जो बनवाना शुरू किया था 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसे बनवाना शुरू किया। फिर उनमें भी कुछ कमियां रही, तो फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा फुली कंप्लीट करवाया। और आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जाने के लिए कोई भी कहीं से भी कोई परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले 1981 में यहाँ पे कुछ रीज़न से हादसे हो गए थे जिसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। तो इस रीज़न से यहाँ पर कोई नहीं जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुतुब मीनार जो है इस जगह का नाम विष्णु स्तंभ और एक दूसरा नाम है, मैं आपको बताती हूँ गाइस, ध्रुव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था पुराने ज़माने में, जो राजा महाराजा होते थे। फिर मुग़ल शासक आए और उन्होंने फिर सारी चीज़ें जो है मॉडिफाई कर दी, अलग अलग अपने नाम से अपने हिसाब से नाम चेंजेस कर दिए, जगह चेंज कर दी, ठीक है। और क्या है कि इसके अंदर जो है मकबरा भी कुतुबुद्दीन ऐबक का है, यही कहा जाता है। बाकी जो है इसमें मैं आपको और भी चीज़ बता देती हूँ कि जो इसकी हाइट है गाइस वो है 73 मीटर और जो इसके हाइट के अकॉर्डिंग जो इसका पिलर था, पहले 7 हुआ करते थे, बाद में इसे तोड़ के फिर 5 कर दिया गया। और क्या है कि इसमें जो सीढ़ियाँ भी हैं अंदर, गोल गोल सीढ़ियाँ हैं, वो 379 सीढ़ियाँ हैं। काफ़ी ग्रीनरी है। और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नक्काशियाँ की गई है इस पर। काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है ये, बड़े जगह में। देखिए काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करने आते हैं। फिर हम एक गुंबद के अंदर गए और यहाँ पर एक अंकल थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है मुग़ल शासक कैसे नमाज़ पढ़ा करते थे, कैसे अपना काम किया करते थे, वो सारी चीज़ें बता रहे थे मुग़ल शासकों से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं थक गई गाइस, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। फिर मैंने पानी पी के थोड़ा इधर उधर रेस्ट करने की कोशिश की, फिर घूमी, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। देन उसके बाद मैंने सोचा, मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा
इस बात का दुख है कि जो हमारे भगवान थे उन्हें तोड़ने के बाद उनकी हालत कैसी कर दी थी। आपने देखा ही होगा, आप जब नेक्स्ट विजिट करने आएंगे तो आप भी देखेंगे कि यहाँ की हालत कैसी की है। और मे बी मोस्टली लोगों ने गौर ना किया हो, बट आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना, देखना। तो ठीक है गाइस, अब मैं चलती हूँ घर की ओर। और हमने एक्सप्लोर कर लिया है कुतुब मीनार। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ जो कि आप लोगों के काम की हो। तो बाय गाइस। और आप लोग भी प्लीज़ एक बार ही कुतुब मीनार ज़रूर एक्सप्लोर करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कुतुब मीनार में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं।